हेलो गाइस, केपी एयर केपी 0004 में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम लेके आ चुके हैं अपने सामने नेक्सॉन XM प्लस एस, जो कि भाई अपनी खुद की हमने रिसेंटली परचेस करी है। आज ऐसा करने वाले हैं भाई डिटेल वॉकराउंड रिव्यू। तो भाई अगर हम बात करें फ्रंट से, तो भाई फ्रंट से देख लो आपको ऐसी कुछ हेडलैम्प मिल जाती है जिसमें भाई DRL मिल जाती है, एक प्रोजेक्टर मिल जाता है और ये हाई बीम की वाली हैलोजन है। बाकी भाई इसमें DRL में इंडिकेटर नहीं चलता है, XM प्लस एस तक में ही। अगर इसे एक मॉडल और ऊपर ले लोगे तो उसमें यहाँ पे ये येलो ये यहीं पे चलेगा इंडिकेटर। बाकी XM प्लस एस में भाई इंडिकेटर यहाँ दे रखा है, जो कि भाई थोड़ा सा बिगाड़ लगता है, क्योंकि भाई अगर XM प्लस एस में थोड़े पैसे और ले ही रहे हो तुम तो भाई डाल सकते थे वहाँ इंडिकेटर। चलो भाई कोई बात नहीं, बाकी भाई इंडिकेटर वहाँ मिल जाता है, फॉग लैंप की प्लेसिंग यहाँ मिल जाती है, लेकिन फॉग लैंप आपको नहीं मिलता। ये फॉग लैंप की बस जगह जगह दे रखी है, यहाँ फॉग लैंप नहीं मिलता भाई कोई। तो भाई बात करें अगर हेडलाइट की, तो इसमें कोई भी LED नहीं मिलती, बस DRL को छोड़ के। भाई DRL में तो आपको पता है कैसे चलती है कैसी नहीं, ऐसा कुछ टाटा का लोगो मिल जाता है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको यहाँ पर फिनिश मिल जाती है, ये क्रोम का थोड़ा फिनिश देखने को मिलता है यहाँ पे। बाकी भाई नंबर प्लेट होल्डर यहाँ है और नीचे कुछ टायर और पैटर्न सा दे रखा है भाई। बाकी पीछे की आवाज़ थोड़ी सी इग्नोर करना भाई। बाकी भाई बात करें बोनेट की, ऐसा कुछ बोनेट आपको देखने को मिल जाता है भाई। बाकी फ्रंट से तो इतना ही था भाई, बात करें साइड से तो भाई साइड से आपको ऐसी कुछ गाड़ी देखने को मिल जाती है। 16 इंच का आपको स्टील रिम देखने को मिलता है व्हील कवर के साथ, और भाई ये ब्लैक कलर की ऐसी कुछ क्लैडिंग मिलती है। बाकी ये थोड़ा सा मैट ब्लैक में ये आपको फिनिश मिलता है भाई, देखो। बाकी अगर हम ORVM बात कर लें तो भाई ऐसा कुछ ORVM मिलता है आपको जिसमें इंडिकेटर ORVM में ही देखने को मिलते हैं। और ये भाई ORVM फुली ऑटोमेटिक है, एडजस्ट भी अंदर से होता है ऑटोमेटिकली, देखो इधर से, और भाई अनफोल्ड भी यहीं से होता है। तो भाई ये चाबी से ही फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है भाई। अगर की बात करें तो ऐसी कुछ की मिल जाती है आपको देखने के लिए भाई, देखो लॉक अनलॉक, और ये भाई फॉलो मी हेडलैम्प, ठीक है भाई। और इसको अगर होल्ड करके रखोगे तो भाई डिग्गी भी खुल जाएगी, एक बार क्लिक कर दिया तो देखो इसमें आपको LED चल गई, वो LED कह रहा हूँ हेडलैम्प चल गई। बाकी अगर हम बात कर रहे थे इसकी, हाँ जी, तो भाई देखो लॉक करा तो भाई देखो वो फोल्ड हो गई, अनलॉक करा देखो भाई अनफोल्ड हो गई। भाई ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। बाकी भाई ये ऐसे कुछ आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, जो कि भाई बॉडी कलर्ड नहीं है, ये विदाउट पेंट है। बाकी भाई साइड से इतना ही था आपका। पीछे से बात करें भाई, तो भाई पीछे से देखो नॉर्मल है, कुछ भी जो नेक्सॉन में तो सब कुछ है, ऐसी कुछ आपको टेल लाइट मिल जाती है, ये वाइट कलर का फिनिशिंग दे रखा है, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक का फिनिशिंग दे रखा है। बाकी भाई यहाँ आपको रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, नीचे आपको यहाँ पे टायर और पैटर्न, यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं भाई आपको, यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग जो अच्छी लगती है भाई बहुत, यहाँ पे डिग्गी ओपन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भाई डिग्गी ओपन यहाँ पे कोई बटन नहीं है, या तो आप अंदर से कर पाओगे या तो आप चाबी से, देखो ऐसे करोगे भाई। बहुत सारे नेक्सॉन ओनर्स को ऑलमोस्ट पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ सीन है, देखो देखो भाई खुल गई, तो भाई देखो ऐसे खुल गई। तो भाई अगर बात करें बूट स्पेस की, तो 350 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि भाई मोर देन सफिशियंट है भाई। बाकी भाई देखो यहाँ पे आपको टायर मोबिलिटी के किट मिल जाते हैं टाटा की तरफ से ही भाई, फ्री में है, एकदम बिल्कुल फ्री में है। ऐसा कुछ आपको ये मिल जाता है, ये अपना जो बताने के लिए रिफ्लेक्टर टाइप का होता है। बाकी ये जैक वगैरह मिल जाता है भाई, भाई ये कवर वगैरह मिल जाता है आपको नेक्सॉन के साथ भाई, हमें तो फ्री में मिली है। बाकी कवर का भाई कन्फर्म नहीं है, बाकी हमें तो फ्री में मिली, ये भी फ्री में मिला है भाई। बाकी भाई बात करें बूट में, यहाँ पे एक आपको लैंप मिल जाता है भाई, जो कि सही है। यहाँ पे आपको 3 kg के, और यहाँ पे आपको हुक मिल जाते हैं जिसमें आप 3 kg तक लटका सकते हो, दोनों साइड मिल जाते हैं भाई ये हुक। बाकी भाई स्पेस तो एकदम सफिशियंट है। अगर हम भाई बात करें स्टेपनी की, तो भाई स्टेपनी आपको ऐसी कुछ मिल जाती है, जो कि 16 इंच की ही है, 7 इंच इसकी मिलती है आपको, और ये भी स्टील रिम मिलती है भाई, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जब मेन टायर ही आपके उसमें ऐसे हैं तो स्टेपनी तो क्यों ही देंगे एलॉय में भाई। बाकी ऐसे कुछ आपको मिल जाता है पीछे। यहाँ पे अगर बूट में बात करें तो 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है भाई आपको। तो भाई अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 120 BHP और 170 Nm ऑफ टॉर्क। तो भाई जो कि सफिशियंट है भाई, अगर किसी को फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए तो भाई एक नंबर का है, सब कुछ है भाई। अगर किसी को मतलब जो है कि भाई भगा के ही रखनी है, पूरे टाइम भगा के रखनी है,
तो उसको ये गाड़ी सजेस्ट थोड़ा सा मैं नहीं करूँगा। बाकी भाई अब इंटीरियर से आ जाते हैं, इंटीरियर में बात करें तो भाई देखो ऐसी कुछ आपको फैब्रिक की सीट्स मिलती है, लेदर नहीं है भाई इसमें, बट भाई सीट्स का डिज़ाइन वगैरह भाई अच्छा है। और भाई कंफर्ट की बात करें ना भाई तो बहुत तगड़ा कंफर्ट है भाई भाई। बाकी अब बात करें ये XM S नहीं है, XM Plus S है। XM S में और इसमें फ़र्क क्या था भाई, इसका हो गया हरमन की डिस्प्ले मिल जाती है भाई 7 इंच की, उसके बाद भाई ये रेयर रिसीवेंट और भाई मेन सनरूफ और ऊपर शार्क फिन एंटीना। तो भाई ऐसा कुछ सनरूफ मिल जाता है, अभी आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि ये ऐसा हो रखा है, लेकिन जब इसे हम खोलते हैं तो भाई ऐसे पूरा खुल जाता है ये और ऐसे बंद हो जाता है भाई ये। तो भाई अगर हम मीटर की बात करें तो ऐसा कुछ आपको मीटर मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है भाई आपको भाई, जिसमें आपको RPM मीटर कुछ ऐसा मिल जाता है, अपना फ्यूल का ऐसा कुछ मिल जाता है भाई, बाकी हीट का वहाँ पे, बाकी यहाँ पर भाई आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, TPMS को छोड़ के भाई बाकी ऑलमोस्ट सारी मिलती है, सारी नहीं बहूँगा भाई ऑलमोस्ट सारी। बाकी अगर हम हैंडल की बात करें तो भाई अगर आप टॉप ऑन लोगे तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको पहले तो हॉर्न यहाँ से बजता है इसका, आपको बताइए टाटा में स्टार्टिंग से है ये गाना चेंज वगैरह करने का, वॉल्यूम अप डाउन, ये मोड चेंज करने का, यहाँ पे कॉल उठाने ना उठाने काटने का, यहाँ पे म्यूट करने का भी इसमें, और यहाँ पे एलेक्सा टाइप का जो होता है इनमें टाटा में वो इसमें दे रखा है भाई। बाकी बात करें तो ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाता है भाई, स्पेस के मामले में तो भाई नो डाउट बहुत अच्छी है यार ये। बाकी अगर हम यहाँ से बात करें तो आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता देखने के लिए, तो यहाँ पे भाई कप होल्डर वगैरह स्पेस मिल जाता है भाई, अच्छा खासा स्पेस है भाई नो डाउट। यहाँ पर भी आपको बोटल होल्डर टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी भाई अगर एक बात बोलूँ तो यहाँ पे बोटल नहीं आती, यहाँ आ जाती है, यहाँ पर नहीं आती। जैसे ये है परफ्यूम, अगर बात करें देखो ये परफ्यूम है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, नहीं घुसरा भाई, यही बात कर लें यहाँ पे, यहाँ पर भी अटक गया भाई नहीं घुसरा, यही घुसती है भाई बोटल। तो बाकी अगर हम डोर्स की बात करें भाई तो देखो यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है देखने के लिए, बाकी यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं भाई गाड़ी में, कोई ट्विटर नहीं मिलता। बाकी अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो ये चारों क्या नाम है, चारों विंडोज़ की पावर विंडोज़ का कंट्रोल यहाँ मिल जाता है, विंडो लॉक अनलॉक। उसके बाद भाई यहाँ पे अब ड्राइवर साइड अप डाउन ऑटो अप डाउन नहीं मिलता भाई, जो कि थोड़ी सी ये चीज़ मेरे को बुरी लगी, क्योंकि भाई कम से कम ड्राइवर साइड तो देखो अप डाउन देना चाहिए था उनको। बाकी भाई अगर हम ORVM सी कंट्रोल की बात करें तो देखो यहाँ से ORVM भी कंट्रोल मिलते हैं, और इसको एक बार नीचे कर दोगे तो ये फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएंगे भाई, देखो भाई ठीक है। और बाकी अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो हरमन का आपको डिस्प्ले मिल जाता है 7 इंच का, जो कि भाई सही है, सब कुछ एक नंबर का काम करता है भाई। बट भाई एंड्रॉयड और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले में थोड़ा सा लैगी, एकदम थोड़ा सा लैगी फील होता है, जो कि भाई मैनेजेबल है, क्योंकि भाई एकदम थोड़ा सा लैगी है, ज़्यादा लैगी नहीं है भाई। एक चीज़ जो बुरी लगी मेरे को, उसमें रिवर्स कैमरा नहीं मिलता, जो कि हमने भाई कंपनी से एसेसरीज में लगवाया था, जो कि भाई कंपनी से एसेसरी में लगवाया था। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर दिखा रहे हैं, देखो ये कंपनी से एसेसरीज में लगवाया था यहाँ, वो भी उन्होंने यहाँ लगा के दिया, यहाँ पर नहीं। बाकी भाई अगर हम बात करें गियर की तो भाई 6 गियर मिल जाते हैं आपको भाई, जो कि अच्छी बात है, और हैंड ब्रेक कुछ ऐसे फील में देता है भाई, फील अच्छी है यार गाड़ी के अंदर से, बहुत प्यारी फील है। यहाँ आपको हैजर्ड का वो बटन मिल जाता है, यहाँ AC का बटन जिसका आपको पता ही है, और यहाँ पे बूट का बटन मिल जाता है, बूट भाई यहाँ से खुलता है या तो चाबी से खुलता है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी भाई अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई बहुत बड़ा अच्छा खासा ग्लव बॉक्स है भाई, अंदर तक डीप है भाई, बहुत ज़्यादा डीप है, जो कि भाई मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ इसमें लगी गाड़ी में वही इसकी ग्लव बॉक्स। बाकी भाई नॉर्मल डोर्स की बात करें तो ऐसा कुछ आपको सिर्फ सिंगल बटन मिलता है विंडो अप डाउन का, बाकी लॉक वगैरह का भाई ये लॉक वगैरह है यहाँ पे मिल जाता है आपको, जैसे यहाँ से लॉक करा वहाँ से लॉक अनलॉक वगैरह हो गए, देखो भाई ठीक है। बाकी अगर हम पीछे से आते हैं भाई, चलो तो भाई अगर हम पीछे से आए तो देखो भाई मेरी हाइट है 6 फुट और थोड़ा सा मैं हेल्दी भी हूँ, तो भाई मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर रखा है भाई, तो भाई मैं चलो बैठता हूँ यहाँ पे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है भाई। नॉर्मल गाड़ी में मेरे को भाई स्पेस नहीं मिलता, यहाँ देखो इतना स्पेस मिल रहा है भाई इतना, और 6 फुट हाइट है मेरी और अच्छा खासा हेल्दी हूँ भाई मैं, तो इतना स्पेस मिल रहा है, देखो लेग रूम भी मिल रहा है और हेड रूम भी मिल रहा है। देखो भाई सनरूफ पे तो थोड़ा सा यहाँ पे हेड रूम ऐसा कर रखा है, लेकिन जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना वहाँ भाई पूरा हेड रूम मिल रहा है। देखो गेट्स का देखो भाई 90 डिग्री है, पूरा स्ट्रेट खुलते हैं टाटा में स्टार्टिंग से, देखो भाई पूरा स्पेस मिल रहा है भाई। कम्फर्ट की बात करूँ ना, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भाई सब, पहली बार बैठा हूँ मैं सही बताऊँ पीछे इसमें, पर भाई अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ भाई ऑल ओके है भाई, एक नंबर का कम्फर्ट है भाई, कम्फर्ट के मामले में तो कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे।
पीछे वाले यहाँ पे रेयर इस इवेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ एक्स एम प्लस एस वेरियंट में मिलते हैं और इससे ऊपर वाले वेरियंट में मिलते हैं, इससे नीचे किसी वेरियंट में नहीं मिलता भाई। बाकी भाई मैं बता ही रहा हूँ बार बार, इसका अंडर थाई सपोर्ट भाई एक नंबर का है भाई। मेरी हाइट 6 फुट और हेल्दी भी अच्छा खासा हूँ मैं, बार बार ये बात बोलूँ नहीं, फिर भी भाई मैं इतना कम्फर्ट भाई मुश्किल ही मिलता है नॉर्मल किसी गाड़ियों में। बाकी भाई ऐसी कुछ आपको यहाँ पे कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता भाई, बाकी यही कुछ है। यहाँ पे दो स्पीकर मिल जाते हैं, ट्विटर आपको नहीं मिलते भाई, ट्विटर की प्लेसिंग जरूर दिखती है लेकिन ट्विटर नहीं दिखता आपको। बाकी भाई यहाँ पे आपको कुछ ग्लास होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, बटन होल्डर वगैरह, बाकी यहाँ पे अप डाउन का बटन है और कुछ भी नहीं है। तो भाई देखो भाई मैं तो यही कहूँगा, जो फैमिली वाले बंदे हैं उनके लिए एक नंबर की है ये गाड़ी। तो भाई यहीं तक की थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और KB 004 को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस बाय।